यहां पे रखें तो S की जगह क्या है Y है और U की जगह क्या है U sin theta into T minus half GT square minus half GT square। तो अपने पास कुछ कुछ इंफॉर्मेशन आई। अगर मुझे ये पता करना हो कि बताओ भाई किसी टाइम टी पे इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, तो हम कहेंगे भाई साहब एक्स एक्सिस के अलोंग तो जो भी वेलोसिटी है वो ही रहेगी, वो चेंज होने वाली नहीं है। तो हम कहेंगे कि वी एक्स जो है वो तो रिमेन रह जाएगा किसी भी टाइम पे, वो कितना रहेगा, वो रहेगा यू कॉस थीटा। क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। बट अगर मैं वाई एक्सिस की डायरेक्शन में देखूंगा तो क्या वाई एक्सिस की डायरेक्शन में वी वाई एट एनी टाइम टी वो क्या होगा, हम वहां पे लगा सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी इक्वल्स टू यू प्लस ए इंटू टी। तो यू की जगह क्या है वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, आप कहेंगे कितना है यू साइन थीटा माइनस ए की जगह पे क्या है माइनस जी इंटू टी। आप इसी तरीके से बहुत सारी जगह मान लो कि हमें मास दिया हो और हमसे पूछे मोमेंटम क्या होगा किसी टाइम पे, तो अपन कहेंगे मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस वो क्या होगा एम इंटू वी एक्स, मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस वो क्या होगा एम इंटू वी वाई, एम इंटू वी वाई। तो अगर मैं कहूं मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस तो क्या आएगा, वो आएगा एम इंटू वी एक्स की वैल्यू कितनी यू कॉस थीटा। मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस वो क्या होगा एम इंटू यू साइन थीटा माइनस जी टी। अच्छा एक चीज हम और देख रहे हैं, क्या मोमेंटम भी चेंज हो रहा है क्या अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो अगर किसी टाइम पे हम देखें तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई भी परिवर्तन होने वाला नहीं है, वर्टिकल वेलोसिटी में परिवर्तन हो रहा है और वो क्या हो रहा है, वो हो रहा है यू साइन थीटा माइनस जी टी। आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस आ रहा है, इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में स्पीड टाइम के साथ घटनी चाहिए कि बढ़नी चाहिए, हम कहेंगे भाई साहब बढ़नी चाहिए घटनी चाहिए, क्योंकि वो तो ऑब्वियस सी बात है अगर ऊपर की तरफ आपने फेंका होता तो स्पीड धीरे धीरे क्या होती जीरो होती, तभी तो ये वापस आ रहा है। अच्छा अगर मैं कहूं कि किसी भी टाइम पे इसकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो हमेशा क्या होगी टेंजेंशियल टू द ग्राफ, मान लो ये एंगल अल्फा बना रहा है ये वेलोसिटी वी होगी, तो क्या हम किसी भी टाइम पे वी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं अल्फा की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। चलते हैं आगे देखते हैं भाई साहब वी की वैल्यू क्या होगी अल्फा की वैल्यू क्या होगी, उसके वेक्टर फॉर्म को देखते हैं। देख अब क्या हम वेक्टर फॉर्म में ये सब लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं डायरेक्ट केवल वो कर दे रहा हूं किसी भी टाइम पे हिंट दे दे रहा हूं वी टी वो क्या होगा, वो होगा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। अगर आपको कभी एंगल निकालना हो तो टेन अल्फा क्या होगा वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट कितना वी वाई अपॉन एक्स कंपोनेंट कितना वी एक्स। आप ध्यान से देख लें जिसके बगल में रहे तो उसके अपोजिट वाला ही अपन लेंगे ऊपर की तरफ वी वाई, अगर ये अल्फा एंगल होता वाई एक्सिस के साथ तो हम क्या लिखते वी एक्स अपॉन वी वाई टेन अल्फा की वैल्यू। इसी तरीके से आप मोमेंटम भी देख सकते हो पोजिशन भी देख सकते हो, पोजीशन की वैल्यू क्या होगी एट एनी टाइम टी वो होगी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। चलिए आते हैं इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ खास खास डेफिनेशंस होती हैं,
उन डेफिनेशंस के बारे में जानते हैं, बड़ी बहुत इंटरेस्टिंग डेफिनेशंस होती हैं, हालांकि है बहुत सिंपल ही चीज है। आओ देखते हैं थोड़ा सा। अगर मैं आपसे कहूँ कि बताओ x और y में क्या रिलेशन है, तो हमने देखा था कि किसी भी टाइम t पे x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू थी u cos थीटा इनटू t, y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू थी u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। एक काम करते हैं, यहां से मैं टी की वैल्यू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा को उठा के इसमें पुट करता हूं, तो क्या आएगा, यहां पे आएगा वाई इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टी, टी की जगह में क्या पुट करना अपने को, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, टी स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यू से यू चला जाएगा तो वाई की वैल्यू क्या आई, यहां से ये आई एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो y और x में जो रिलेशन है, क्या y इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ x, यानी y जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है किसका, x का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया तो हम ये कह सकते हैं भाई साहब इसका जो ग्राफ होगा y और x में वो कैसा होगा, वो ग्राफ होगा अपना पैराबोलिक। तो हम कह सकते हैं कि भाई साहब ये जो टू डायमेंशनल मोशन हो रहा है, इसके जो इक्विटी, इसके जो पाथ की इक्वेशन है वो ये है, और ये पाथ की इक्वेशन बता रही है कि जो पाथ होगा वो होगा पैराबोलिक। कैसा होगा, पैराबोलिक पाथ, पैराबोलिक पाथ होगा। और एक चीज समझे, यहां पे देखो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, नेगेटिव। इसका मतलब जो पैराबोलिक पाथ होगा वो डाउनवर्ड पैराबोला होगा। कैसा पैराबोला होगा, डाउनवर्ड। जैसे अगर अपने पास कभी भी ऐसा हो y is equals to ax square plus bx plus c, इसका ग्राफ हो, तो हम कहेंगे इसके ग्राफ दो तरीके से बन सकते हैं भाई साहब, एक तो ऐसा हो सकता है, एक ऐसा हो सकता है। अगर a की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि ये ऐसा वाला ग्राफ बनेगा, और a की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ये ऊपर की तरफ खुलता हुआ ग्राफ बनेगा। ऐसा समझे कि एक कटोरा मांगने वाली पोजीशन और एक देने वाली पोजीशन में, तो ये कौन सी पोजीशन बन रही है, यहां पे x x के स्क्वायर के कोफिशिएंट a, a की वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे माइनस हाफ जी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम कहेंगे भाई साहब a की वैल्यू यहां नेगेटिव आ रही है, तो कटोरा मांगने वाली पोजीशन है या देने वाली पोजीशन, तो आप कहोगे ऑब्वियसली बात है देने वाली पोजीशन, मांगने वाली पोजीशन में होता तो पॉजिटिव आती है। तो इसको हम कहेंगे ये चीज है अपनी इक्वेशन ऑफ पाथ। देखते हैं थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग चीजें। हमने कहा कि हमने प्रोजेक्टाइल को यहां से थीटा एंगल पे यू स्पीड से फेंका था, वो इस तरीके से ट्रेवल करता हुआ यहां पे जाके गिरा। अच्छा बच्चों, इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है। मान लो ये t इक्वल्स टू जीरो पे आपने फेंका और ये यहां पे आके t इक्वल्स टू कैपिटल T पे गिरा, क्या हम कहेंगे कि इतनी देर जो अपना पार्टिकल था वो हवा में था, या आप कह सकते हैं उस टाइम पे इसका ग्राउंड से कांटेक्ट नहीं था, सेम लेवल पे आके गिरा, कितने टाइम हुआ, टी टाइम हुआ। इसी टाइम टी को हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या कहेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, उड़ने का समय। ये कितनी देर तक उड़ा, कितनी देर तक उड़ा, कैपिटल टी टाइम। ये जो डिस्टेंस है
हमने कहा अगर ये हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस देखी जाए कितनी कवर की आर, इसी को अपन कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज।